धीरे 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 आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पॉलीगामी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको मुस्लिम मेरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया, अभी क्या बाकी है? आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है। इफ समबडी इज टेकिंग ए ब्रेक फॉर ए जुम्मा नमाज देन ऑब्वियसली वी हिंदूज कैन ऑल्सो गेट ए ब्रेक फॉर आवर टेम्पल्स। इनको इस्लामो और मुसलमानोफोबिया हो गया है, ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। इनको इस्लामो और मुसलमानोफोबिया हो गया है, ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट करेगी। भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। विश्व शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस में तो जाए कुछ मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते हैं पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ, 90 ईयर्स हो गया आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ, आपका क्या तकलीफ है इसमें? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए, आपको हक जो है हर आदमी का रिलीजियस फेथ है उनको प्रैक्टिस करने का, उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में, जो खाना देते हैं अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं, ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे 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 आप सब कुछ हटा रहे हैं, आपको पॉलीगामी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको मुस्लिम मेरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया, अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग जो टाउन में ना आ पाए, कहीं भी आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे, सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे, ऐसा हो रहा है। ऐसा तो सीएम बहुत चला गया भाई, आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहे हैं, अभी 3 साल चल रहे हैं, अगले के बारे में आप सोचिए। हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए, लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है, ये सही नहीं कर रहा है। सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है, अभी आप सोच लीजिए अब क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग था वो जो आप उड्रन कर दिया, कोई बात नहीं, हमको नमाज को उड्रन नहीं कर सकते हम, तो यहाँ से आप टाइम उड्र हम लोग नहीं रहेंगे, उस टाइम में हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है, हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई, अभी क्या तो तकलीफ है उसमें, आप नमाज पढ़ने में आप रुक नहीं रखना। अगला सेशन से जो है फ्राइडे में थोड़ा 2 घंटे के लिए वक्फा होता था, फ्राइडे 9 o'clock से असेंबली शुरू होता था सेशन, और 11:30 12 o'clock अर्जन हो जाता था, फिर 2 बजे से दोबारा शुरू होता था, ये फ्राइडे का दोनों टाइम सुबह शाम इस तरह के ये हुआ करता था। लेकिन उसको रूल्स कमेटी ने इसको तब्दील करके अगले सेशन से इसको उठा दिया उन्होंने। हमारा एमएलए अमीनुल इस्लाम रूल्स कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक भाईचारे की बात है ये, आपस में मोहब्बत की बात, मोहब्बत बढ़ती है इससे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना रूल्स कमेटी में, स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया, करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। अब मसला यह है कि जो असम विधानसभा में 126 में 30 मुसलमान एमएलए आज के दिन भी हैं, और ये आज 30 नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस असम की विधानसभा में 36 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे, स्वाधीनता से पहले असम असेंबली में 30 35 36 तक एमएलए हुआ करते थे, अभी तो घट के कम हो गया, हम लोग अभी भी 30 एमएलए है, तो 30 एमएलए हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारी नमाज को नहीं रोक सकते, हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था कोई कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए,
लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है, मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का उस पर उनकी नजर है, मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे, अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। देखिए जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, ये है कौन, ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग गोने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल, किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। See, as everybody says, India is a secular country. So if you see in that context, if somebody is taking a break for a Jumma namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples. Or if some rituals are there at our home, we can ask for a break. But only for a specific reason, for a specific community's break has been given since so long before independence. I think it's a historic decision. As our religions are same, if somebody wants to go for a namaz, he can go and do his namaz. Or what they can ask is, they can ask for a room or special space. We have seen in airports, we have seen in many places where there are special rooms are kept to go for a Jumma namaz. They can ask for a room, but why 3 hours break? We have many decisions, we have many, today is Friday and still it's almost going to be 4:18. Until 5 we will be having our assembly. If this 3 hours break was supposed not happen, then we could have finished our assembly today by 3 o'clock. But it has to be extended till 5 o'clock. Why? Because there was a break of 2.5 hours or 3 hours for a Jumma namaz, and this namaz can be performed in a masjid nearby our assembly, or they can ask for a separate room where they can do their rituals. So I think it's a historic decision. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.